We welcome you once again to Navyug Pragati, Navyug School Educational YouTube channel. In this video, you are going to learn about pictograph from Chapter 13 Smart Charts of your Class 3 Mathematics NCERT textbook. After watching this video, you will be able to know about different types of smart charts and you will also be able to read the pictograph and answer the questions related to it. बेटा आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट चार्ट्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि पिक्टोग्राफ को समझकर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देते हैं, राइट? वेल चिल्ड्रन, लास्ट टाइम आई आस्क्ड यू टू फाइंड आउट वेयर एल्स स्मार्ट चार्ट्स आर यूज्ड. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव डन इट. सो लेट्स स्टडी सम मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक ऑन रोड. अगर ट्रैफिक देखना हो रोड पे तो भी हम स्मार्ट चार्ट्स यूज कर सकते हैं. देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए उसके लिए भी स्मार्ट चार्ट्स यूज होता है. मंथली सेल्स ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी ने एक मंथ में कितनी सेल की है उसके लिए भी स्मार्ट चार्ट्स यूज हो सकते हैं. डिफरेंट फ्रूट ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड. अगर ऑर्चर्ड बेटा होता है जहां पे बगान, जहां पे फ्रूट ट्रीज उगाए जाए, तो कितने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं ऑर्चर्ड में उसके लिए भी हम स्मार्ट चार्ट यूज कर सकते हैं. एंड देन इज ग्रोथ ऑफ एन इन्फेंट. छोटे बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ मीन्स कितनी उसकी हाइट बढ़ी है या कितना उसका वेट बढ़ा है छोटे बच्चे का, उसके लिए भी स्मार्ट चार्ट्स यूज किया जा सकता है, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट चार्ट्स. ऑल्दो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट चार्ट्स, बट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ. पिक्टोग्राफ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो डेटा है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो सिंबल्स या पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट की जाए, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, राइट? एंड द अदर वन इज बार ग्राफ, जिसमें जो कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो रेक्टेंगल्स की हेल्प से हम डिपिक्ट करते हैं. रेक्टेंगल्स की हेल्प से, बार्स देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगल्स, इनकी हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ. बट टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ, राइट? सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी अ पिक्टोग्राफ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब ये देखो, एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है, राइट? एक कुछ डेटा है जो सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक साइड देखो हॉबीज लिखी हुई है, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. यहाँ हॉबीज पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, क्राफ्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जहां पे एक एक पेंटिंग में 4 पिक्चर्स, डांसिंग में 2, म्यूजिक में 3 एंड क्राफ्ट में ओनली 1 पिक्चर. और यहाँ नीचे कुछ की दे रखी है, इसका मतलब है 1 पिक्चर डिनोट्स 5 स्टूडेंट्स. एक पिक्चर जो बनी हुई है, एक जो सिंबल है, इसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स, राइट? सो दैट मीन्स पेंटिंग में कितने स्टूडेंट्स हुए? 5, 10, 15, 20. दैट मीन्स देयर 20 स्टूडेंट्स इन पेंटिंग. नाउ इन डांसिंग देयर इज ओनली 1, 2 पिक्चर्स, दैट मीन्स 5, 10. So 10 students have chosen dancing. And how about music? 5, 10, 15. इसका मतलब 15 students ने music choose किया है. And how about craft? How many students have chosen craft? Only 5 students, right? There's only 1 picture. That means only 5 students have chosen craft. Now let's have a look at the questions. First question is, which hobby is most popular? ऐसी कौन सी hobby है जो most popular है? मोस्ट पॉपुलर का मीनिंग होता है बेटा जो सबसे ज्यादा लोग चूज करें. अब ऐसी कौन सी हॉबी है जो सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे ज्यादा पिक्चर्स बनी हुई है? लेट्स हैव अ लुक. 1, 2, 3, 4. ये 4 पिक्चर्स पेंटिंग में बनी हुई है. डांसिंग में देर आर ओनली 2. देन म्यूजिक हैज 3 एंड ओनली 1 पिक्चर इन क्राफ्ट. इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी हॉबी सबसे पॉपुलर है? राइट, पेंटिंग. क्यों? क्योंकि पेंटिंग में 4 पिक्चर्स बनी हुई है. दैट मीन्स पेंटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर हॉबी, राइट? Now next question is, which hobby is chosen by 10 students? ऐसी कौन सी हॉबी है जो 10 students ने चूज की है? Let's have a look and find out. Painting कितने लोगों ने चूज की है? 5, 10, 15, 20. तो ये तो नहीं हुई. Dancing 5, 10. Yes, तो हमें पता चल गया कि dancing तो है 10 students ने जो चूज की है, कि क्या कोई और हॉबी भी है जो 10 students ने चूज की है? Music में कितने हैं? 5, 10, 15 and craft में 5. No, that means only dancing is the hobby that is chosen by 10 students, right? So our next question is, which hobby is least popular? अब हम पहले हमने किया देखा था most popular hobby कौन सी है जो सबसे ज्यादा लोगों ने choose की है. Least popular का meaning है जो सबसे कम लोगों ने choose की है. ऐसी कौन सी hobby है जिसमें सबसे कम लोगों ने choose की है, ऐसी कौन सी hobby है? देखो इसमें कितने pictures बनी हुई है. 4, 2, 3, 1. तो 1 सबसे कम है. अब कौन सी hobby में 1 है? Craft. That means craft is the hobby that is least popular,
Right? Now So the our last last question is, how many more students like music than craft? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को म्यूजिक इन कंपैरिजन टू क्राफ्ट अच्छा लगता है? ऐसे कितने ज्यादा बच्चे हैं जिनको म्यूजिक क्राफ्ट से अच्छा लगता है? अब पहले दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा हमें, म्यूजिक को भी और क्राफ्ट को भी. लेट्स फाइंड आउट अबाउट म्यूजिक फर्स्ट. म्यूजिक में कितने हैं? 5, 10, 15. दैट मीन्स 15 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक. एंड हाउ अबाउट क्राफ्ट? There's only one picture. That means 5 students like craft. Then अब पूछा क्या गया है? पूछा गया कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को म्यूजिक क्राफ्ट से अच्छा लगता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? माइनस करना पड़ेगा. सो 15 माइनस 5 इज 10. सो आंसर विल बी 10 स्टूडेंट्स, राइट? सो चिल्ड्रन, टूडेज असाइनमेंट इज दैट यू विल थ्रो अ डाइस 30 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट ईच नंबर. अब आपने करना क्या, आपके घर पे डाइस होता है, राइट? सबके घर में डाइस होगा, तो डाइस को आपने 30 टाइम्स थ्रो करके देखना है, 30 टाइम्स फेंकना है, और फिर देखना है कि हर एक नंबर जो है वो कितनी बार आपके पास आया. ड्रॉ पिक्टोग्राफ एज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. एक पिक्टोग्राफ बनाना है कुछ ऐसे, जिसमें आपने फेस ऑफ द डाइस बनाना है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक साइड फेस ऑफ द डाइस, दूसरी साइड लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? एक साइड तो फेस ऑफ द डाइस एंड दूसरी साइड नंबर ऑफ टाइम्स, और आप इसको डिपिक्ट करोगे एक ऑब्लिक लाइन से. ईच थ्रो के लिए एक ऐसी ऑब्लिक लाइन लगा दोगे, ठीक है? जैसे मान लो आपका 1 जो है वो 5 टाइम्स आया, तो आप 5 टाइम्स ऐसे 5 ऑब्लिक लाइंस लगा दोगे. जैसे मैंने बेटा ये देखो 1 में 5 ऑब्लिक लाइंस लगाई हैं, ऐसे, क्लियर? और फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं. क्वेश्चन क्या है? विच फेस ऑफ द डाइस डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? ऐसा कौन सा फेस था इनमें से जिसमें जो सबसे ज्यादा आया, क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप? कितनी बार आपका 6 आया? विच फेस ऑफ द डाइस डिड यू गेट द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? और ऐसा कौन सा फेस था जो आपके पास सबसे कम आया? क्लियर है असाइनमेंट सबको? सो चिल्ड्रन, टुडे इन दिस वीडियो यू लर्न अबाउट स्मार्ट चार्ट्स, अबाउट पिक्टोग्राफ एंड अ लिटिल बिट अबाउट बार ग्राफ, एंड यू ऑल्सो लर्न हाउ टू ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. Well, children, goodbye for now. Thank you.